बेलन वाली बहू है पर लड़की बिल्कुल गऊ है। डड्डू कहाँ डड्डू? डड्डू कहाँ डड्डू? अनजान बनता है, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। आई एम इंस्पेक्टर जितेंद्र अवस्थी। सस्पेंडेड है? निकाला नहीं गया शालू, बता कहाँ डड्डू? जीतू जीतू इसे सच में नहीं पता, अब कहीं और ढूंढते चलो। ओके शालू, हम दोनों में से आधे उधर बाकी मेरे पीछे। लेट्स मूव। आपने हमारा डॉगी देखा है क्या? इतना नहीं, इतना भी नहीं है, नहीं इतना है, काला है, ऐसे मोटा सा, हम ऐसे दुम हिलाते, देखा देखा होगा तो। अरे क्या हुआ, चाय बनी कि नहीं डड्डू? अरे भाई साहब, एक काला कुत्ता देखा, चार पांव है, लाल जबान है, बड़े बड़े दांत है, देखा क्या काट लेता है, देख के जाना। बहुत ही सड़ियल है, बदतमीज है, मेरी सूजी को काट लिया, मेरा तो दिल करता है उसे काट लूं। और दादी जी चला गया, चला गया। चल हम भी चले ना। ये कबाड़ वाले सुन जरा, हमारे घर का काला कुत्ता देखा कहीं? 100 रुपया दो फिर बताऊंगा। अरे वाह, ये तो आसानी से मिल गया, पिताजी खुश हो जाएंगे। ले 50, इतना ही बजट है। किधर है कुत्ता? उस तरफ गया। मैंने नोट चेक कर लिया, अब आप अपना कुत्ता चेक कर लो। क्या मतलब? कुत्ता तो काला था, अब आपका था या नहीं ये मुझे पता नहीं। आज श्याम का तो जुगाड़ हो गया, 10 के भाव में साला फिर चूना लगा गया। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? तू कहाँ जा रही है? अरे पता चला? दादाजी बैठ जाइए। अरे बैठना नहीं है मुझे। डड्डू कहाँ है? डड्डू का कुछ पता चला? हर जगह ढूंढ लिया पिताजी, लोगों से पूछा, कुत्तों से भी पूछा, लेकिन डड्डू नहीं मिला। काली यार, घर चले आए, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने कहा था कि पिछली बार की तरह समोसे लेके चलते हैं, पर चलते चुप कर तू। मैं तो कहती हूँ किसी और मोहल्ले से कोई दूसरा काला कुत्ता ले आते हैं, दादाजी को क्या पता चलेगा? नहीं शालू, अगर दादाजी को पता चल गया ना तो कुत्ते की तरह मुझे पीटेंगे। छींक अचानक आती है, वैसे डड्डू भी अचानक आ जाएगा। नहीं, मुझे दिलासा नहीं चाहिए, मुझे डड्डू चाहिए, हर हाल में डड्डू चाहिए। ना मंदिर के पास मिले ना पेड़ पर, प्लीज वापस आ जाइए ना। वेल, जब इंसान खो जाता है तो कुत्ता सूंघ के उसे ढूंढ लेता है, लेकिन कुत्ता खो जाए तो किसे भेजा जाए? अरे ट्रेन तो तूने किया ना, तेरी आवाज सुनकर भी नहीं आया। लेकिन उस तक मेरी आवाज तो पहुंचे, ना जाने वो कितनी दूर बैठे। हमें काम करते हैं, हम अखबार में इश्तिहार देते हैं। वाह भाभी, क्या आइडिया है। अरे आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमें डड्डू की फोटो चाहिए होगी। शालू किस दिन काम आएगी? इतने सालों से मैं भी यही पूछ रही हूँ, ये किस दिन काम आएगी? मम्मी जी चुप कर। शालिनी आज तो कोई काम करके मुहूर्त ही कर दे। काम हो गया है मम्मी जी, मैंने डड्डू के साथ 3-4 सेल्फीज लिए थे। हाँ मुझे याद है, मेरे सामने ही लिए थे, दिखाइए भाभी। ये देखिए। वेरी गुड शालू। शाबाश बेटा शाबाश, इश्तिहार दे दो, और मैं तो कहता हूँ 5,000 का इनाम भी रख दो। क्या हो गया? नहीं रकम कुछ ज्यादा नहीं है? सूजी की जान से ज्यादा है क्या? नहीं मेरा मतलब है कि अगर सूजी को कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा? कौन देखेगा? मेरी जान से भी ज्यादा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपकी जान से ज्यादा कुछ नहीं पिताजी, हम इश्तेहार दे देंगे। डड्डू को तो ये इंस्पेक्टर जितेंद्र अवस्थी ढूंढेगा। शादू 5,000 अपने। अगर ये टट्टू मुझे मिल जाए तो 5,000 में गर्लफ्रेंड को एक अच्छा सा तोहफा दे दूंगा। आप किसी गरीब को ही मिलना हाँ, ताकि उसका भी भला हो और हमारा भी। राज तुम बीपी का दवाई खाया? अवस्थी परिवार यही है?
जी हाँ यही है, आप कौन? आपने जो डॉगी का एड दिया था, मिल गया वो? यही है ना वो? हाँ यही है। कहाँ है वो? बाहर बांधा हुआ है उन्हें। एक सेकंड पकड़िए, मैं अभी आई। कहीं तुम्हारे 5000? मुझे तो टट्टू को भूख नहीं आया। तुम्हारे नहीं, हमारे। मुझे लगता नहीं मैं कभी गुलाब से आगे बढ़ पाऊंगा। अरे वो तो बाहर नहीं है, कहाँ है वो? मैं उसे देने नहीं लेने आई हूँ। इश्तहार भी उल्टा छपवा दिया क्या? नहीं, सारे नमूने मेरे ही घर में होने थे। वो क्या है ना, मुझे आपका डॉगी बहुत पसंद आया। अगर उसका पप्पी हो तो प्लीज आप मुझे दे दीजिएगा। मैं उसके 5000 नहीं 10000 रुपए दूंगी। अभी भी चांस है? दरवाजा उधर है, वाह जाइए। हेलो जी, नमस्ते नमस्ते, ये लीजिए, ये रहा आपका डड्डू। शुक्र है भगवान का डड्डू मिल गया, अब मेरी सूजी को कुछ नहीं होगा। डड्डू मिल गए। प्रेमराज 5000 ले आजा। 5000? अरे इश्तहार दिया है ना, जा जा जल्दी जा। कहाँ चले गए थे आप? आपको घर से निकाल दिया तो आप आस पास क्यों नहीं रहे? को पता मैं कितना परेशान हो गई थी। सुनिए, गुस्सा थूक दीजिए, वो घर वालों ने आपको घर से बाहर निकाला ना, वही आपको वापस ला रहे हैं। क्या हुआ, कुछ तो कहिए ना। आपको मेरी कसम, कहिए कुछ। ये लीजिए 5000, दो पैकेट अगरबत्ती के भी दे दें। एक मिनट पापा जी, ये हमारा डड्डू नहीं है। डड्डू नहीं है? आपको कैसे पता? क्योंकि ये मुझसे बात नहीं कर रहा। मतलब कमाल है, एक तो ये बेजुबान जानवर है, ये बोलेगा कैसे, और आप इसे बात करने के लिए कह रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा। आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, ये हमारा डड्डू नहीं है। लेकिन तुझे कैसे पता ये डड्डू नहीं है? मुझे पता है दादाजी, ये हमारा डड्डू नहीं है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। अरे वही है, डड्डू है बेटा, वही कदकाठी, वही काला रंग, सेम तो है। काला, काला तिल, डड्डू के पीठ पे काला तिल था। तिल? कुत्तों के भी तिल होते हैं? हाँ हाँ, आप ढूंढिए, इस कुत्ते के पीठ पर काला तिल नहीं मिलेगा आपको। अरे तू तो अंधेरे में काली बिल्ली ढूंढने वाली बात कर रही है। हाँ बिल्कुल सही, उसकी तो पूरी पीठ काली है, तिल का नजर आएगा। आप सबको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? एक मिनट, ये रूपा किधर गया? देखिए ये जो भी हो रहा है ना, बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब एक तो इतनी मुश्किल से हम आपका ये कुत्ता ढूंढ कर लाए हैं, और उसके बदले में हमें इनाम देने के बजाय आप हमारे कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहे हैं बेटा, तसल्ली कर रहे हैं अपनी। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये देखिए रूपा बेटे, तू लड्डू की फोटो डड्डू को क्यों दिखा रही है? अगर ये डड्डू होते तो ये इनकी तस्वीर को देख कर जरूर भौंकते। Well, good point, भाभी। क्योंकि डड्डू हमेशा लड्डू भैया को देख के भौंकता था, लेकिन दादाजी इसने तो मुंह ही फेर लिया। नहीं भाई, ये हमारा डड्डू नहीं है, जा यहाँ से और इसे भी ले जा, जा दफाओ। ठीक है जी, चलो। शाबाश रूपा बेटा, शाबाश, तूने बिल्कुल सही पहचाना, ये वो डड्डू नहीं था। पैसे बच गए है कि नहीं? अरे पैसे बच गए, मेरी सूजी कैसे बचेगी? हाँ है आप, प्लीज आ जाइए ना दादाजी, आपकी चाय। हाँ पी रहा हूँ, इसको पिला तो दूँ। अरे चाय पी रहा हूँ के भाव में। अरे दुकान से बाहर मत निकला कर बेटा, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं आजकल। और तू आया ही क्यों यहाँ? अब तुझे खाली बोतलें नहीं मिलेंगी यहाँ। मुझे पता है आपने पीनी छोड़ दी है, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। Well, लोगों के घर से बोतले और डब्बे लेने वाले कबाड़ वाले, तू हमें क्या देगा? एक बेस कीमती खबर 10 के भाव में, उस काले कुत्ते की खबर। काले कुत्ते की? मेरे
लड्डू मिल गए, कहाँ है वो? वो मिला नहीं, मगर कहाँ मिलेगा ये पता है। कहाँ है? उस चाय वाले से पता चला है, परसों रात म्यूनिसिपलिटी के लोग आए थे और पूरे मोहल्ले के कुत्ते उठा कर ले गए। चाय वाले ने तुझे बताया और खुद 5,000 का इनाम छोड़ दिया? अरे पी कर आया है क्या? अरे नहीं दादाजी, उस चाय वाले ने मुझे नहीं बताया, उसके अखबार पड़ा था और उसमें इश्तेहार छपा था। इससे पहले कि वो खबर पढ़ता, ये खबर मैंने पढ़ ली इस अखबार में और मैं इस अखबार को उठा लाया रद्दी में 10 के भाव में। खबर पक्की है? खबर 16 आने पक्की है दादाजी, पर ये बताइए मेरा इनाम कब मिलेगा? जब हमें डड्डू मिलेगा। चलो म्यूनिसिपैलिटी चलो। दादाजी मैं अपने डड्डू को पहचान लूंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं बात करता हूँ। नमस्ते। 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले से हमारा पालतू कुत्ता आपके लोग उठा कर ले गए। हाँ, परसों रात को हम कुछ कुत्ते उठा के लेके आए थे। पहचान लीजिए आपका कौन सा है। अरे ऐसे कैसे पता चलेगा, हमारे डड्डू ने तो कपड़े पहने हुए थे। हाँ, पिंक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। देखिए ऐसा जेंटलमैन कुत्ता तो आया ही नहीं यहाँ पर। नहीं नहीं, हो सकता है कि आपके ट्रक में उसे गर्मी लग रही हो और उसने टी शर्ट उतार दी हो, है कि नहीं? या फिर किसी और कुत्ते ने हमारे डड्डू के कपड़े फाड़ दिए हो जेलसी में आके। देखिए जो भी है यही है, पहचान लीजिए और ले जाइए। हमें यहाँ पे एक डड्डू नहीं मिल रहा, तुम्हें दो दो मिल गए। अरे लेकिन दो दो डड्डू थोड़ी हो सकते हैं, कोई एक ही तो होगा। लेकिन इनमें से हमारा कौन सा होगा? Well, ये जुड़वा केस है, इसे मुझे ही सॉल्व करना होगा। नहीं नहीं, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं अपने डड्डू को पहचान लूंगी। डड्डू डड्डू। हाँ रूपा, मैं हूँ। रूपा मुझे ले चल, बड़ी गंदी जगह है ये, पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। रूपा मिल गए, एक डड्डू मिल गए, वो राइट वाला। ठीक है सर, वो राइट वाला निकाल दीजिए। एक मिनट, मुझे लगता है ये इस तरफ वाला लेफ्ट वाला नहीं है, मैं हूँ। अरे पिताजी, जब रूपा बोल रही है ना कि वो डड्डू है तो वही होगा ना। हाँ, घर में भी इसने पहचान लिया था, वो नकली कुत्ता था तो। लेकिन यहाँ मैं पहचानूंगा, मैंने कहा ना लेफ्ट वाला है। क्या बोला जनाब? आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अभी बताता हूं, अभी देखो। अबे तू क्यों भौंक रहा है, ये मेरा फैमिली मैटर है। अबे तेरी फैमिली भी आ जाएगी तुझे ले जाने, अभी मुझे तो जाने दे। अब बताओ कौन है डड्डू? राइट वाला। लेफ्ट वाला? दादाजी डड्डू के मामले में मैं गलत नहीं हो सकती हूँ, वो राइट वाला ही डड्डू है। और मैं सूजी के मामले में कोई चांस नहीं ले सकता, लेफ्ट वाला ही है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। डड्डू को मैंने ट्रेन किया था तो मैं ही बताऊंगा कि कौन है मेरा शिष्य। इंसानों के केसेस तो सॉल्व नहीं कर सका, जानवरों के करेगा। सस्पेंडेड कहीं का? सस्पेंडेड इनका लेने गया। ऑल द बेस्ट जीतू। थैंक यू शालू। एक्सक्यूज मी, दैट्स यू। बाहर निकालिए दोनों को। दादाजी अभी फैसला हो जाएगा कि कौन है डड्डू। बॉल्स कहाँ है? बॉल्स बॉल्स दो। आप देखिए दादाजी, 1, 2, 3। अरे जीतू, बॉल तो दोनों ले आए हैं। ये तो दोनों ही ट्रेंड हैं। तू क्या अपने आप को बहुत बड़ा अफलातून समझता है? राज,
What is Afla doing? ये देखो, ये देखो, या इसकी जान पे पड़ी है, फिर भी इसको हिंदी की पड़ी है। यही है डड्डू, मैं इसे लेके जा रहा हूं। अरे नहीं दादाजी, एक लास्ट चांस, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, लास्ट चांस। न्यूज़पेपर दो। आप देखना दादाजी। 1, 2, 3, गो डड्डू। ये हमारा डड्डू, यस। ये कुत्ता न्यूज़पेपर सीधा मेरे पास लेकर आया, लेकिन डड्डू न्यूज़पेपर आपके पास लेकर आया, क्योंकि डड्डू जानता है कि घर में सबसे पहले पेपर आप पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा डड्डू, और इसे कहते हैं ट्रेनिंग, इसे कहते हैं संस्कार, जो मैंने इसे दिए। चल बेटा घर चल, सूजी की जान तेरे हाथ में। यही है डड्डू। आपको पता नहीं कितना डर गई थी, रात भर सोच रही थी कि आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे। एकदम जेल के जैसी रात काट के आया हूँ रूपा। खाने के नाम पे कुत्तों वाले बिस्किट भी नहीं दिए उन्होंने, खाली पेट एसिडिटी और हो गई है। आपको भी एसिडिटी होती है? अब जब कुत्ता बन के खाना खा रहा हूँ तो एसिडिटी भी तो होगी ना। तू ये सब छोड़, जल्दी से खाना लेके आ। क्या खाना है आपको बताइए, मैं मार्केट से केक या बिस्किट लाऊं? नहीं नहीं, कुछ अच्छा सा खिलाना। तो फिर आपके फेवरेट अजवाइन के पराठे बना दूं? नहीं, आज वो भी खाने का मन नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं बनाती हूँ ना आपके लिए आपके फेवरेट अजवाइन के पराठे, अभी आती हूँ। अरे रूपा, मम्मी जी आपको किचन में कुछ काम है? क्यों, क्या हुआ? वो मुझे अजवाइन के पराठे बनाने हैं। सब तो नाश्ता कर चुके हैं, डड्डू के लिए बनाने हैं। वो अजवाइन के पराठे खाता है? हाँ, हाँ? नहीं, मतलब जब मैं उनके लिए आपके बेटे के लिए अजवाइन के पराठे बनाती थी तो उनमें से एक वो डॉगी को भी दे देते थे, तो आज वो आया है तो भूखा भी है, मुझे लगा कि मैं अजवाइन के पराठे बना लूँ डड्डू के लिए। अच्छा ठीक है, बना ले बेटा। उबलने को रखती है तो सांस बॉयल हो जाती है, हाथ लगाए जिस चीज को भी वो चीज स्पॉइल हो जाती है। देखो भैया क्या है के बहु की हमारी झांकी है, पर प्रॉब्लम पति की माँ की है। बेलन वाली बहू है, बेलन वाली बहू है, पर लड़की बिल्कुल गौ है। बेलन वाली रहे आपके फेवरेट अजवाइन के पराठे। थैंक यू। रुकिए रुकिए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ लीजिए। कैसा बनाए? नमक कम है। कैसा? नमक कम है। चाय में चीनी कम है, चाय में चीनी कम है। तेरी पढ़ाई कम है, तेरी पढ़ाई कम है। तेरे में बुद्धि कम है, तुझ में कॉन्फिडेंस कम है, तुझ में कॉन्फिडेंस कम है। अब रो क्यों रही है? आंसू गिरा के पराठे नमकीन करेगी? ढंग से नहीं होता रूपा, एक काम भी नहीं। इतने प्यार से उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है, और तूने फिर से वही गलती कर दी। कैसे करके रूपा, कैसे? अरे मार दिया, फिर मार दिया रूपा, हमेशा मुझे पहले से मारती है, कितनी बार मारेगी मुझे पहले से? सॉरी सॉरी मम्मी सॉरी। रूपा की बच्ची, मैं बाहर निकल गया। मैं इस कुत्ते से बाहर निकल गया रूपा। तूने बाहर निकाल दिया। अरे तू जा यहाँ से। निकल गया मैं बाहर, निकल यहाँ से। जा यहाँ से, जा यहाँ से। रूपा, पहले तूने बेलन मार के मेरे अंदर से मेरी आत्मा निकाली, और आज बेलन मार के कुत्ते के अंदर से मेरी आत्मा निकाल दी। नहीं
तू कैसे कर लेती है रूपा, कैसे कर लेती है तू? मैं बताती हूँ एक सेकंड। मैंने ना ऐसा कुछ किया नहीं, मैं बस अपने आप से बात कर रही थी ऐसे जोर से। सॉरी।